इस मास्क को बनाने के लिए आपको चाहिए एक कॉटन का, 100% कॉटन का कपड़ा। मैंने यहाँ पर 9x7 इंचेस का एक पीस लिया है। 7 इंचेस वाली साइड से हम इसको फोल्ड करेंगे, डबल फोल्ड इस तरीके से। अगर आपका कपड़ा मोटा है तो आप एक सिंगल लेयर भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपका कपड़ा पतला है जैसे कि दुपट्टे वगैरह का, तो आप 2 या 3 पीस को पहले इकट्ठा सिल लीजिए। ये देखिए, ये हमने किनारियाँ मोड़ ली हैं। और अब 9 इंचेस वाली जो हमारी लंबाई है, उस तरफ से इस तरीके से हम जो है इसमें प्लीट्स सेट करेंगे। 3 प्लीट्स हमारी लगभग इसमें आनी चाहिए। और प्लीट्स डालने के बाद जो हमारी लंबाई है, जो 9 इंच की थी, वो अब घट के हमारी 5 या 4.5 इंच रह जानी चाहिए। तो ये हम पूरा सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद आप चाहें तो इसको आयरन कर सकते हैं, इससे ही अच्छे से सेट हो जाएगा और आपको स्टिचिंग करने में ईजी रहेगा। एक बार ये सेटिंग होगी, उसके बाद मैंने इसको यहाँ पर पिन से सिक्योर कर दिया है, ताकि अगर हम थोड़ा सा सिलाई हमारी उतनी अच्छी नहीं है तो हम आराम से इसको फिर भी सिलाई मशीन से स्टिच कर सकें। उसके बाद हम दूसरी साइड से अच्छे से प्लीट्स को सेट करके स्टिच कर देंगे यहाँ पर इस तरीके से। ये देखिए, यहाँ पर मैंने उसको स्टिच कर दिया है सिलाई मशीन से। आप चाहें तो हाथ से भी बखिया का टांका लगा सकते हैं। अब दूसरी साइड के पिन हम खोल देंगे और दूसरी साइड भी प्लीट्स को अच्छे से सेट करके इस पर भी सिलाई मशीन से हम जो है सिलाई लगा लेंगे यहाँ पर इस तरीके से। एक सीधी सिलाई हमें लगानी है। अब ये 2 पीस मैंने 5 इंच से थोड़े थोड़े बड़े, ताकि हमें उनकी किनारी मोड़नी है। ये देखिए, यहाँ पर हमें इनको अटैच करना है इस तरीके से। दोनों किनारी मोड़ेंगे और यहाँ पर इसको ऐसे अटैच करेंगे। तो चलिए इसको सिल लेते हैं मशीन पर। दोनों तरफ से हमने किनारी मोड़ लेनी है। और ये देखिए, अब हमने उल्टी वाली साइड में उल्टी तरफ से ही इसको रख के ऐसे इसको सिलाई मशीन से सीधी एक सिलाई लगा देनी है। ये मास्क बनाने में बहुत ही ईजी है। और ये जो मास्क मैं आपको बता रही हूँ, ये पूरा WHO की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है। और ये देखिए, इसको आगे से हम इस तरीके से मोड़ के यहाँ पर भी एक सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से हमारी दोनों तरफ एक ये पाइपिंग जैसा बन जाएगा। मास्क में अगर आप 2 या 3 लेयर का कपड़ा लेके बनाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा कपड़ा काफ़ी मोटा है, इसलिए मैंने यहाँ पर सिंगल लेयर ली है। और देखिए, इसी तरीके से सेम हम दूसरी साइड से भी मोड़ लेंगे। ये दोनों तरफ मैंने सिलाई लगा ली है और दोनों तरफ हमारी ये एक आधा इंच के करीब की पट्टियाँ हमें मिल गई हैं। यहाँ पर मैं ले रही हूँ इलास्टिक का एक टुकड़ा, और इस जो हमारी पट्टी है, इसके अंदर से हम इस इलास्टिक को जो है निकाल लेंगे। ये सबसे ईजी तरीका है मास्क बनाने का, और इलास्टिक वाला मास्क पहनने और उतारने में भी काफ़ी ईजी होता है स्टेप्स वाले की बजाय। हालांकि आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप पट्टियों वाला, स्टेप्स वाला भी कैसे बना सकते हैं अगर आपके पास इलास्टिक नहीं है तो। ये देखिए, हमने इसके अंदर से इलास्टिक निकाल ली और इसको देखेंगे कि हमारे कान पर कितना ये कंफर्टेबली आ रहा है कट करके। और यहाँ पर देखिए, इतने हिस्से पर मैंने अच्छी तरीके से इसको सिलाई मशीन से सिल दिया है। सेम ऐसे ही हम दूसरी साइड से करेंगे। और ये देखिए, एक तरीके से ये हमारा मास्क जो है वो रेडी हो गया है। क्योंकि इलास्टिक जो है पीछे हमारे कानों पर कई बार चुभती है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक कॉटन का छोटा सा कपड़ा लेकर उसको मैं यहाँ पर सिल दूंगी। तो ये हमारे कानों के पीछे भी जो है मास्क हमारा जो है कंफर्टेबल रहेगा। ये देखिए, यहाँ पर मैंने आपको पहन के दिखाया है, ये पूरा फेस कवर कर रहा है, नोज़, माउथ और नीचे तक आ रहा है, कान तक भी जा रहा है, और ये कान के पीछे हमारी पट्टी है। मास्क तो बना लिया, मगर उसे यूज़ कैसे करना है, कुछ बातों का ध्यान उसके लिए रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला तो ये कि मास्क को बनाने के बाद आप उसको अच्छी तरीके से वॉश करेंगे। और दूसरी बात ये कि जब आपको उसे पहनना है तो सबसे पहले आप अपने हाथ अच्छी तरीके से धोएंगे हैंड वॉश से लगभग 20 सेकेंड तक। मास्क को यूज़ करने के बाद कभी भी उसको अपने फ्रंट से इस तरीके से नहीं उतारना है। हमेशा सबसे पहले कान के पीछे से उतारना है, आगे वाले हिस्से को नहीं छूना है, और डायरेक्ट इसको पानी, गर्म पानी की बाल्टी में डाल देना है। अगर आपका मास्क किसी भी वजह से गीला हो गया है या उसके अंदर नमी है, तो वो आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। इसीलिए आप जब भी अपने लिए मास्क बनाएं तो पहले ही 2 या 3 मास्क बनाकर रखिए। और जैसे आप मास्क को लगाकर बाज़ार गए हैं, भले ही आपको 5 मिनट का काम है बाज़ार में, कभी भी ये नहीं करना है कि वापस आके उसको रख दें और वापस से फिर अगले दिन वही पहन जाए। नहीं, अगर आपने उसको पहन लिया है तो आपको उसको धोकर ही यूज़ करना है। धोने के लिए गर्म पानी की बाल्टी में थोड़ा सा नमक और अपना सर्फ डाल के उसको बाकी कपड़ों से अलग
अलग ही धोना है, सारे कपड़ों के साथ उसको मिक्स करके नहीं धोना है, और कम से कम उसको 4 से 5 घंटे के लिए फिर धूप में सुखाना है, अच्छे से ड्राई करके रखना है। अब ये देखिए, अगर आपके पास इलास्टिक नहीं है तो आप उसकी पट्टियाँ सिल सकते हैं जिनको आप पीछे बांध सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये 2 लंबी लंबी पट्टियाँ काट ली हैं और इसको इस तरीके से हम सिलाई मशीन से पूरे लंबे लंबे पट्टियाँ सिल लेंगे, जैसे हम नाड़े वगैरह भी बनाते हैं। तो ये यहाँ पर मैंने 2 पट्टियाँ सिल ली हैं और जो हमारा हमने पहले मास्क का जो बीच का हिस्सा बनाया था उस पर ऊपर की तरफ इस तरीके से दोनों साइड की तनियों को छोड़ते हुए हम बीच बीच में इस तरीके से इसको पूरा का पूरा सिल लेंगे। इससे ये फ़ायदा होगा कि ये काफ़ी मजबूती से हमारा सिल जाएगा ऊपर और नीचे। ये देखिए दोनों पट्टियाँ मैंने सिल ली हैं और अब इसको आप आराम से अपने सिर के पीछे ले जाकर बांध। मास्क बना तो लिए मगर उनको रखना कैसे है, उसके लिए आपको लेनी है एक ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन, उसको अच्छी तरीके से साबुन और सर्फ से वॉश करना है अंदर से और खूब अच्छी तरीके से धूप में सुखा लेना है उस। और जब आपकी ये पॉलीथीन अच्छी तरीके से सूख जाए तो उसके बाद आपको अपने मास्क को इसके अंदर डाल के उसको ऊपर से सील बंद कर देना है। जी हाँ दोस्तों, ये सारी की सारी प्रिकॉशंस आपको मास्क यूज़ करते हुए ज़रूर रखनी है। बार बार हाथ धोना ज़रूरी है ये होममेड मास्क को यूज़ करने के लिए, तभी ये आपका इफ़ेक्टिव होगा। तो ये था फ्रेंड्स मेरा आज का वीडियो होममेड मास्क के ऊपर। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। घर में रहिएगा, स्टे और हेल्दी रहिएगा। उम्मीद है जल्दी ही हम इस कोरोना को हराकर आगे बढ़ेंगे।